gone. He looked a dead duck. So with Patel. Absolutely magnificent. Tony finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. ठगी के भी नायाब तरीके अपनाकर कुछ शातिर भोले भाले शहरी लोगों और ग्रामीण अंचल से आए ग्रामीणों को चुना लगा रहे हैं। बुधवार को दो ऑटो चालकों ने नसीराबाद गांव से आए बुजुर्ग ग्रामीण रतन को 10 रुपए में चाचावास छोड़ने का झांसा देकर उससे 5,500 रुपए लूट लिए और घुमा फिराकर बुजुर्ग को बजरंगगढ़ चौराहे पर उतार कर चले गए। ग्रामीण रतन ने चौराहे पर जब कबूतरों को दाना डालने के लिए जेब में हाथ डाला तो रुपए जेब से गायब देख सन्न रह गया और उसने बिलखना शुरू कर दिया। बुजुर्ग को रोता देख केसरबाग ऑटो स्टैंड पर खड़े ऑटो चालकों ने उसकी व्यथा सुनी और ग्रामीण द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर दोनों ऑटो चालक रामगंज निवासी राजेंद्र शर्मा और हरीश को पकड़कर उनकी धुनाई कर दी और बुजुर्ग के साथ दोनों आरोपियों को लेकर सिविल लाइन थाने पर शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। और 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 बंदे जो ले दान तो बटो का थोड़ा पाटे छोड़ दान तोले लाग जाए तो हमारी मर जाए। बस स्टैंड से आ रहे थे तो इनको बैठा के बोला के चलो मैं नरवर जा रहा हूँ। कहाँ जाओ बाबा के भाई मैं नरवर जाऊँ। नरवर जाए तो ले चल बेट मार लार 10 रुपए में छोड़ दे। ठीक है 10 रुपए में बैठा यो इनको घुमा ले रहे हो अगर गेट हो तो घुमा रहे हो के पूछे बाबा पूछे भाई कड़ी जा रहे हो अन्य कट ले जा रहे हैं क्या बाबा बनो रास्ते बंद है गेंदा को त्यौहार चल रहे हैं तो मैं घुमा ले जा रहे हो। अरे बाबू रुके भाई रुको रुको मन कबूतर है दाणो चाण रहे दाणो चाण बाबा तुम टाइम लागे उतर तू मैं वहाँ पाता जब तक तू दाणा चाल दे उतरे बाबू जेब में हाथ कर लियो जेब में पीछे नहीं गया। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत पहाड़गंज इलाके में बुधवार दोपहर पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। इस घटना में दोनों ही युवकों के गंभीर चोटें आई हैं। पहाड़गंज निवासी अनिल ने बताया कि पहाड़गंज मलुसर रोड के रहने वाले घिसू ने दिनेश पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। झगड़े की सूचना पर पहुंचे अनिल और साथियों ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो घिसू ने अनिल पर भी चाकुओं से वार कर दिया और मौके से भाग छूटा। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने घायलों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पे बैठे थे एंजॉय कर रहे थे हम सारे दोस्त तो फिर वो बंदा मलुसर गया था अपने दोस्तों के साथ में तो उसको हैं उसका नाम दिनेश है तो कोई पुरानी रंजिश थी 2-2.5 साल पहले की उस चक्कर में उसको अकेला पाके उसके चाकू मार दिया। फिर उसके साथ वाले बंदे ने हमारे घिसू नाम का लड़का है वहाँ मलुसर पर रहता है उसके साथ में जो लड़का था उसने हमारे को फ़ोन किया तो हम एकदम मौके पर पहुँचे तो जैसे वो उसके पेट पर चाकू मारा था तो हम तीन जने बीच में कूदे तो उसको धक्का दिया तो उसने मेरे यहाँ जांघ पे लग गया चाकू। शहर की सुरक्षा में सेंध लगाकर चोर उचक्के पुलिस और पब्लिक को हैरान परेशान करने में लगे हुए हैं। फिर भी पुलिस कहती है कि सुरक्षा चाक चौबंद है। दिन दहाड़े वाहनों और घरों में चोरी होना जहां पुलिस प्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है वहीं शहर में अपराध के ग्राफ को बढ़ाने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। बुधवार को जिला कलेक्टर परिसर के पीछे बीपीएल परिवार की महिला राशन कार्ड लेने पहुंची। 2 घंटे तक लाइन में लगने के बाद भी राशन कार्ड नहीं मिला। वापस लौटी तो कचहरी के मस्जिद के पीछे वाली जगह पर खड़ी हीरो होंडा बाइक चोरी हो गई। आसपास के लोगों ने बताया कि यहां से लगातार वाहन चोरी हो रहे हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करती ही नहीं। दातानगर जटिया हिल्स में रहने वाले इस बीपीएल परिवार पर बाइक चोरी होने से मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उन्होंने रोते रोते अपनी व्यथा सुनाते हुए पुलिस से खोई हुई बाइक दिलाने की मांग की। बीपीएल कार्ड लेने आए थे दातानगर से आए तो नंबर भी नहीं आया लाइन में खड़ी कर दी ऐसी लाइन 2-3 घंटे बर्बाद कर दी और हमारी गाड़ी और चोरी हो गई। Thank you.